गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का जो न्यू रिकमेंडर है वो RITES से आया है। तो इसमें जो जॉब ऑफर कर रहे हैं आपको वो एक्चुअली अप्रेंटिस का पोस्ट है, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और ITI, इस तीनों ट्रेड मतलब ट्रेड में आपको अप्रेंटिस का जॉब ऑफर कर रहा है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भी एग्ज़ाम भी नहीं होगा, आपका मेरिट वाइज आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस जॉब अपलोड करता रहता हूँ। और आपको जॉब का गाइडेंस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए यहाँ पे जो जॉब RITES से जो रिकमेंड आया है वो एक्चुअली रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस से जो रिकमेंड आया है वो कुल मिलाकर 146 वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया से आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए है, मतलब ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है, जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 76 वैकेंसीज दिया गया है। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस नॉन टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए 20 पोस्ट है, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 15 पोस्ट है और ITI ट्रेड के लिए 35 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर 146 वैकेंसीज हुई। और यहाँ पे देखिए परमानेंट आपको जॉब नहीं मिलेगा, अप्रेंटिस है प्राइवेट सेक्टर में। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और एज लिमिट होना चाहिए 18 से 40 ईयर्स। एक्चुअली एज लिमिट ज़्यादा दिया गया है तो आप नोटिफिकेशन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसीड्यूर रहेगा वो देखिए, आपका मेरिट वाइज सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एप्लीकेशन का जो फीस आपको कोई भी कैटेगरी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। सैलरी पैकेज देखिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 14,000 पर मंथ आपको स्टाइफन मिलेगा, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 12,000 पर मंथ आपको स्टाइफन मिलेगा, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 10,000 पर मंथ आपको स्टाइफन मिलेगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है वो देखिए, BA BTech कंप्लीट कर चुके हैं कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 65% मार्क्स लेकर आपको पास आउट होना है। और आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसमें आपको BA BTech करना मतलब आपको कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए देखिए, फुल टाइम 3 ईयर्स आपको डिप्लोमा होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से और कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे परसेंटेज मेंशन किया गया नहीं है तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए देखिए, मतलब ITI के लिए है, NCVT और STVT से आप 60% मार्क्स लेकर कोई भी ट्रेड से क्वालिफाइड हो तो यहाँ पे आपको जरूर एप्लीकेशन का चांसेस मिलेगा। और आपका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तो आपका सिलेक्शन होने का प्रोसीड्योर मतलब चांसेस ज़्यादा रहेगा, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो। यहाँ पे देखिए एक नोट दिया गया है, कैंडिडेट हु हैव पास्ड इंजीनियरिंग डिग्री एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा ड्यूरिंग 2018 और आफ्टर आर ओनली एनेबल मतलब एलिजिबल, मतलब 2018 से जो बैच पास आउट हुआ है वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसमें अप्लाई करने के पहले आप नोटिफिकेशन में बाकी डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा और नोटिफिकेशन में जाकर चेकआउट करेंगे। तो लास्ट डेट रहेगा 12 मई, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर शुरू हो चुका है 24 अप्रैल से, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है तो स्टेप में जाकर आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है, आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म मतलब फिलिंग फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कैंडिडेट नीड टू सबमिट द सेकेंड कॉपी मतलब हार्ड कॉपी आपको भेजना है डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भेजना है इस ईमेल एड्रेस में, मतलब यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है इस ईमेल एड्रेस में आपको भेजना है। तो आप पहले अप्लाई करिए, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करने का मिलेगा PDF फाइल, उसके साथ आप डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भेजना होगा इस एड्रेस में, और वो भी 12 मई 2021 इस डेट से पहले। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर है, अप्लाई ऑनलाइन के दोनों दिया गया है। तो इस अप्लाई ऑनलाइन में जो आप क्लिक करेंगे, तो पहले हम नोटिफिकेशन में क्लिक करिए तो इस पेज ओपन हो जाएगा, आप नोटिफिकेशन में ध्यान से आप देख लीजिए। तो उसके बाद अप्लाई करिए, मैं थोड़ा जूम कर आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया है, कौन सा डेट में कितना है, सैलरी कितना है, बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पहले आप पूरा डिटेल्स में देख लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे सर मैं इसमें कहाँ पर अप्लाई करूँ। यहाँ पे देखिए कौन सा डेट में कहाँ पे कौन सा रीजन में आपको अप्लाई करना है, पोस्टिंग कहाँ पे होगा वो भी यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन में डिटेल्स में नहीं बता पाता। तो
यहाँ पे आपको जॉब डिटेल्स में सॉरी नहीं बता पाता, तो आपको नोटिफिकेशन में जाकर बाकी डिटेल्स देखना होता है। तो मैं यही कहता हूँ हर बात नोटिफिकेशन का ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई भी उसके बाद भी आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर देखिए, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना। तो पहले आप इस साइड में जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। यहाँ पे रजिस्टर पहले नहीं कर चुके तो आप पहले रजिस्टर हेयर में क्लिक करना। तो रजिस्टर हेयर में जब क्लिक करेंगे तो आपका सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, और उस विंडो में जाकर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉग इन एंड एनरोल कर लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, सेकेंड अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है। यहाँ पे सेकेंड ऑनलाइन अप्लाई में क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स भरना है। सिंपल प्रोसेस है, आपका नाम डाल दीजिए, आपका कौन सा ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं वो डाल दीजिए, आपका फादर्स नेम मदर्स नेम और आपका फ़ोन नंबर वगैरह पूरा डिटेल्स आप इजी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप फ़ोन से भी इसको अप्लाई को फिलअप कर सकते हैं, इजी स्टेप है। और इसको फिलअप करके नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद बाकी डिटेल्स फिलअप करना होगा। तो आई होप जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए अप्लाई करना चाहते हो तो। और जाने से पहले मैं ये कहूँगा, मैंने टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। इसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि मैं सिलेबस एडमिट अदर्स डिटेल्स वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे एडमिट वगैरह का डिटेल्स नहीं दे पाऊँगा। तो वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन है। तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए और आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जो इस जॉब के लिए एलिजिबल हो पाएंगे वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पा सकते हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब में, तब तक के लिए अपना अपने ख्याल रखना, अच्छे से रहिए। बाय बाय।